सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर लाड यूट्यूबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम अपने क्लच केबल को चेंज करेंगे। हमारे क्लच केबल आप देख सकते हैं कट हो गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा क्लच लीवर एकदम न्यूट्रल हो गया है। तो हम ये पुरानी जो कट हुई है वो केबल बाहर निकालेंगे। और यहाँ से हमें लॉक नट और एडजस्ट नट को भी लूज करके हमें केबल को बाहर निकालना है। कुछ इस तरह से दोस्तों आपको जो है केबल को बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने केबल को निकाल दिया है। यहाँ पे हम नई केबल को फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों हमने पुरानी केबल जो है निकाल दी है, ठीक है। यहाँ पे हम नई केबल लगाएंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने हीरो के ऑथराइज सेंटर से जो है नई केबल परचेस की है, इसे हम अभी फिटिंग करेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले जो है लीवर की साइड को जो है आपको केबल को कनेक्ट करना है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी केबल को पास करेंगे अपने इंजन तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केबल पास की है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने लीवर को जो है केबल को कनेक्ट करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ से हमने केबल को पास किया है, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने लीवर को जो है केबल को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें इससे भी पास करना है केबल को। ठीक है। और यहाँ पे हमें इसे ऐसे कनेक्ट करना है। इसमें हम अभी कनेक्ट करेंगे केबल को, ठीक है। तो पहले दोस्तों हमें ये नट जो है पूरा बाहर निकालना है और इसे आपको खींचना है कुछ इस तरह से और इसे जो है आपको पास कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी केबल को इसमें से पास किया है। यहाँ पे हमें इसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी केबल को कनेक्ट किया है, लेकिन अभी हमने कुछ भी सेटिंग नहीं किया है, ठीक है। ऊपर हमने लीवर को कनेक्ट किया है और यहाँ पे जो है सिर्फ हमने केबल यहाँ पे डाल दी है और इस स्लॉट में हमने केबल को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें दोस्तों इसकी सेटिंग करना है, ठीक है। दोस्तों हमने केबल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें अभी अपना फ्री प्ले जो है एडजस्ट करना है, ठीक है। हमें दोस्तों ये लॉक नोट को जो है ऐसा ही ओपन रखना है, इसे टाइट नहीं करना है, ठीक है। इसे हम बाद में टाइट करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये अभी ऐसे मैं हाथ से हिला रहा हूँ तो ये ऐसा मोमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसे हमें थोड़ा टाइट करना है, ये मोमेंट जो है हाथ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें इस एडजस्ट नट को जो है घुमाना है, ठीक है। हम यहाँ पे इसे इस तरफ घुमाएंगे तो हमारा फ्री प्ले जो है कम होगा, ठीक है। और इस तरफ अगर हम घुमाएंगे तो हमारा फ्री प्ले जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा लीवर का फ्री प्ले जो है अभी बहुत है, इसे हमें 10 से 20 mm में मेंटेन करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका फ्री प्ले जो है कम करेंगे। तो अब हमें इस लॉक नट को जो है ऐसा ही ओपन रखना है। आप देख सकते हैं हमारा फ्री प्ले अभी बहुत ज़्यादा है, तो हम धीरे धीरे इस फ्री प्ले एडजस्ट नट को जो है घुमाएंगे और हमारा फ्री प्ले जो है कम करेंगे, ठीक है।
अब देख सकते हैं अभी भी हमारा फ्री प्ले बहुत है। हमें लीवर के पास दोस्तों 10 से 20 mm में अपना फ्री प्ले जो है मेंटेन करना है, ठीक है। तो हम इसे और थोड़ा घुमाएंगे, दोस्तों हमें लॉक नट अभी कुछ भी नहीं करना है, ऐसे इसे ओपन रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्री प्ले जो है कम हो गया है। हम अपने लीवर के पास देखेंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी बहुत फ्री प्ले है, ठीक है। तो इसे हमें और थोड़ा कम करना है, यहाँ पे हमें 10 से 20 mm में मेंटेन करना है, ठीक है। ठीक है, और अब हम चेक करते हैं अपने लीवर के पास। तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्री प्ले जो है एकदम हमने करेक्ट कर दिया है, ये 10 से 20 mm के बीच में है, ठीक है। आपको ऐसे लीवर को थोड़ा ऑपरेट करके देखना है, आपका फ्री प्ले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 20 mm जो है इसका फ्री प्ले है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा फ्री प्ले हमने एकदम सेटअप कर दिया है, ठीक है। हमारा क्लच भी एकदम सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें इसे जो है हमें हिलाना नहीं है एडजस्ट नट को, ठीक है। तो अब हम इस लॉक नट को जो है यहाँ पे लाके इसे टाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा फ्री प्ले और डिस्टर्ब ना हो। इसे आपको टाइट कर देना है, ठीक है, और इसे भी आपको और थोड़ा टाइट कर देना है। आपको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा सेटिंग हो गया है कंप्लीट। हम अभी लीवर को ऑपरेट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा क्लच एकदम सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। आप लीवर के पास भी देख सकते हैं दोस्तों लीवर का फ्री प्ले जो है दोस्तों 10 से 20 mm के बीच में मेंटेन है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप भी अपने बाइक का क्लच केबल जो है घर में ही चेंज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।